बर्ड फील्स द लाइट एंड सिंग व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क टूडेक डिस्कशन आर्टिकल रैपिड जी के स्टडी क्वेश्चन के आंसर हैं चार्टर एक्ट एटीन थर्टी थ्री में फॉर्मली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घुलमगिरी लिखा है ज्योतिबा फुले जी ने सिख गुरु जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गुरुमुखी उनका नाम है गुरु अंगद जी सिक्स मंथ सिक्स मंथ का टाइम होता है वैकेंसी फिल करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अरिका मेडू एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ट्रेडिंग पोर्ट है ये सदन इंडिया में भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है हरियाणा में आज के सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बजट ये किस कौन किस आर्टिकल में लिखा है ल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवीसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहला यूनियन बजट किन्होने प्रजेंट किया था नेम द फर्स्ट वुमन टू प्रेजेंट दूनियन बजट निर्मला सीतारमन मैम है बट फर्स्ट वुमन कौन थी जिन्होंने प्रेजेंट किया यूनियन बजट टे बजट मैगजम टाइम्स सबसे ज्यादा बार किसने प्रजेंट किया है यूनियन बजट अलग हो गया था फिर बाद में ये एक साथ मर्ज हो गया है तो यू हैव टू टेल द डेट इीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकैबुलरी है अमालमेट मतलब जोड़ना कंबाइन करना यूनाइट करना फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर स्लैकन स्लैकन मतलब रिड्यूज हो गया है डिक्रीज हो गया है इन स्पीड और इंटेंसिटी अगर स्टडीज स्लैकन हो रही है तो इट्स टाइम टू गियर अप अप स्टेप अप्यूज और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी स्ट्यूवर्डशिप का मतलब होता है कोई जॉब है जिसमें आप सुपरवाइज कर रहे हो किसी चीज का ख्याल रख रहे हो टेकिंग केयर ऑफ समथिंग मूटेड आइडिया फ्लोट कराया गया है रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन कुछ आइडिया या कुछ पॉसिबिलिटी बिलेगड का मतलब होता है कि वो बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ सिचुएशन है सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ब्रॉडली यूनियन बजट 2021 पे बेस्ड हैं रिकवरी व्हीकल इसमें हम यूनियन बजट की डिफरेंट थीम्स डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट जो नए प्रोविजंस हैं या फिर किस थीम्स में पुश किया गया है विल हैव एन एनालिसिस हम डिफरेंट ओपिनियंस भी देखेंगे देन दिस इज़ ग्रैंड मदर ऑफ द सॉइल दिस इज मिलिट्री सीज पावर इन म्यांमार कू एंड ऑस्ट्रेलियन पी ने कहा कि गूगल की जगह वाई नॉट वी फोकस ऑन बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है ये दिस इज 1861 का भारत परिषद अधिनियम और ये है सी सेट के सोल्यूशन एंड सम क्वेश्चन सो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन दिस यूनियन बजट जो कल प्रेजेंट हुआ है नाउ सी इकोनॉमिक्स आपको पता है यूनियन बजट पढ़ने का तरीका क्या होता है सी यूनियन बजट अगर हमें पढ़ना है ना तो इसमें हमें तीन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए पहली चीज है वोकैबुलरी बजट की एक वोकेबुलरी होती है ग्लॉजरी होती है जिसमें बजट के टर्म्स बताए जाते हैं सेकंड हमें बजट स्पीच को देखना चाहिए जैसे ये निर्मला सीतारमन मैम ने ये पूरा बजट का स्पीच दिया है ये फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट है डिस्टॉर्टेड नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट हैंड वर्जन और ये आपके पास भी रहेगा ना इससे रिविज़न बहुत अच्छा होगा आप इस पर अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग लगाएं और थर्ड में आप जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कुछ डेटाज है देन कुछ फाइंडिंग है फैक्ट्स है इसका एक ब्रीफ कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं होना चाहिए यूनियन बजट में बहुत ज़्यादा नंबर्स एंड फिगर्स पे भी नहीं जाना चाहिए वॉट वी शुड फोकस इज कि इसमें कौन सी स्कीम्स का मेंशन हुआ है इसमें कौन सी थीम्स का मेंशन हुआ है गवर्नमेंट का फोकस किस डायरेक्शन में है ताकि जनरल स्टडीज़ के वो टॉपिक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज अदरवाइज जनरल स्टडीज़ तो एक ओपन ओश्चन है देर इज़ नो लिमिट सो वी गेट एन आइडिया कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में मूव हो रही है एंड बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम सो यू विल गेट टू नो किस किस एरिया में फोकस एरिया क्या है हमारी स्टडी का सो अर्यर आई थॉट टू प्रिपेयर अटिओ बट अभी फॉर टाइम कंस्ट्रेंड है तो इसी वीडियो में हम इसको पूरा कवर करते हैं इंपॉर्टेंट ग्लॉजरी रिलेटेड टू बजट सी इसमें हम वोकेबलरी देखते हैं वर्ड्स क्या है फिर हम एक बजट स्पीच क्विकली देखेंगे देन विल फाइंड सर्टेन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑल राइट सो आर्टिकल वन वन टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जिसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब लेमेन में, में साधारण भाषा में आप देख सकते हो कि एक माइक्रो होती है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो अगर आप हो एक पर्सन ए है इसका महीने भर का चलो साल भर का वो सोच रहा है कि मेरे को कितनी इनकम होगी कितना खर्चा होगा तो ये एस्टिमेटेड होगा और एक होगा एक्चुअल फिर होगा रिवाइज तो वन इज लाइक इनकम एंड वन इज़ लाइक एक्सपेंडिचर फिर ये पर्सन ए डिसाइड करेगा पूरे साल भर मुझे कहाँ कितना पैसा खर्च करना है मुझे पढ़ाई में इतना पैसा लगाना है मुझे क्लोदिंग्स में इतना पैसा लगाना है मुझे एंटरटेनमेंट में, में ये पैसे लगाना है तो हिल अ बजट अब यही इंडिविजुअल ए की जगह मैक्रो में देखें पूरे सरकार का तो ये बन जाता है यूनियन बजट जैसे साल होते हैं तो साल जनवरी टू जनवरी नहीं होता यहाँ दिस अप्रैल से हमारा स्टार्ट होता है ईयर बजट ईयर फाइनेंशियल ईयर तो उसको बोला जाता है यूनियन बजट तो इसमें क्या क्या होगा इसमें सारे खर्चों का रिकॉर्ड होगा इसमें एक्सपेक्टेड इनकम भी होगी कुछ एस्टिमेटेड होगा फिर कुछ रिवाइज होगा फिर कुछ एक्चुअल actual होगा एक्चुअली में क्या हुआ क्योंकि हम सोचते हैं कि यहाँ से इतने पैसे आएंगे बट कई बार आते नहीं है कई बार रेवेन्यू का शॉर्टेज हो जाता है तो हमको कुछ चीज़ें बेचनी पड़ती है सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सेल करेगी रेवेन्यू जनरेट करेगी तो बजट पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो यही है साल भर में कितना आमदनी हो सकता है कितना खर्चा हो सकता है जो पैसा आएगा उसको कहाँ कैसे खर्च करना है दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये आर्टिकल 112 में है फाइनेंस मिनिस्टर हर साल प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट एवरी ईयर पार्लियामेंट में बहुत सारे टर्म्स बजट में यूज होते हैं लेट एस ट्राई टू हैव अ क्विक ग्लांस यूनियन बजट 112 कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है इसमें एक एस्टिमेट होता है अब आपको पता तो है नहीं साल भर में क्या क्या होगा पिछले साल हमने बजट देखा बट कोविड 19 हो गया हमारे नंबर खराब हो गए सारे तो दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इनकम और खर्चा जो फिजिकल ईयर में आएगा अप्रैल वन टू मार्च थर्टी वन तो ये क्या हुआ बजट हुआ यूनियन बजट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है इसमें गवर्नमेंट के सारे फाइनें सोर्सेज रेवेन्यू ये सारी चीजें और एक ही जगह कंसोलिडेटेड तो इसको बोला जाएगा बजट एस्टिमेट बजट डॉक्यूमेंट सो नाउ वी नो व्हाट इज यूनियन बजट दिस इज यूनियन बजट अब खर्चे दो टाइप के हो सकते हैं बजट भी दो हेड्स हो सकते हैं एक होता है कैपिटल एक होता है दिस लाइक रेवेन्यू कैपिटल में कैपिटल जो बजट होता है उसमें कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट होता है कैपिटल जहाँ भी लिखा हुआ है ना इट इज़ समथिंग लाइक कॉन्क्रीट है कुछ एसेट्स है कुछ टेंजिबल सब्सटेंशियल चीज़ है वहां पे तो गवर्नमेंट लोन रेज किया पब्लिक से बोरोविंग से आर से ट्रेजरी बिल से तो ये रिसीट हुआ मतलब मिला फिर डिसइनवेस्टमेंट करेगा डाइवेस्टमेंट करेगा सोशल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बॉडी सेविंग्स तो ये पूरा आएगा कैपिटल में फिर रिसीट हुआ साथ ही साथ पेमेंट भी होगा इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे जैसे कुछ एसेट्स बनाए लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट तो समथिंग टेंजिबल कुछ एसेट्स बन रहे हैं सो दिस दिस कम्स अंडर कैपिटल हेड रेवेन्यू में क्या होता है रेवेन्यू रिसीट्स आती है रेवेन्यू रिसीट्स होती है रेवेन्यू रिसीट्स में भी जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ सकता है इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स एक्साइज कस्टम सर्विस ये ड्यूटीज जो गवर्नमेंट लेवी कर रही है तो दीज आर रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब से समथिंग लाइक डे टू डे रनिंग जिससे कुछ एसेट नहीं बन रहा है नॉर्मल आपको वो पेमेंट करना ही है रेकरिंग इन नेचर है समथिंग लाइक दैट तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग सब्सिडी ग्रांट्स ये सारी चीजें भी आएगा एक्सपेंडिचर में क्रिएशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड नहीं होता है रेवेन्यू में तो एक तो हुआ कैपिटल दूसरा हुआ रेवेन्यू तो बजट दो टाइप का हुआ रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू रिसीट रिसीट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा टैक्स नॉन टैक्स प्लान नॉन प्लान ये पहले था कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हुआ तो ब्रॉडली दिस बजट के ये हेड्स हो हो सकते हैं अब फिस्कल डेफिसिट डेफिसिट होता है deficit मतलब इनकम तो तो कम हुई एक्सपेंडिचर ज्यादा गया तो सरकार डेफिसिट में आ गई बिकॉज कोविड नाइनटीन इनकम बहुत ज्यादा कम हो गई और खर्चे बहुत बढ़ गए बिकॉज हेल्थ केयर में खर्चा करना पड़ रहा है तो सरकार डेफिसिट में है तो यूजुअली सरकारें सारा डेफिसिट बजट ही लाती है इस बार डेफिसिट कुछ ज्यादा ही ओवरशूट हो गया इसके लिए एक फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट भी होता है बट द थिंग इज फिजिकल डेफिसिट को इस बार हमने इग्नोर किया बिकॉज इकोनोमी रिवाइवल वॉज नेसेसरी अब ये जो डेफिसिट हुआ कमी पड़ गई तो ये कमी के लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा तो ये पैसा आता है हम बोरो करते हैं बोरो डिफरेंट जगह से हो सकता है प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट मतलब वो इस साल का ही डेफिसिट है उसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट जो पिछले कुछ टाइम से अक्रू हुआ है वो इंक्लूड नहीं हुआ है तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो वो प्राइमरी डेफिसिट हुआ ये फाइनेंस बिल होता है बिकॉज हमें कोई भी पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी तो हमें एक बिल लाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट प्रपोज करती है नए टैक्सेस ऑल्टरेशन ऑफ प्रेजेंट टैक्सेस ये सब चीज़ें होगा फाइनेंस बिल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है डायरेक्ट टैक्स मतलब जहां टैक्स लगा है जो टैक्स पे कर रहा है दोनों वन है इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों अलग हो जाता है जीएसटी कौन सा टैक्स है आप बताओ इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं ओके नाउ सेंट्रल प्लान आउटले वॉट इज द मीनिंग ऑफ आउटले आउटले मतलब जैसे आपको एंटरटेनमेंट है तो आपने उसमें इतना हेड निकाल दिया कि मैं एक हजार रुपए एंटरटेनमेंट में दूंगा सो दैट इज एन आउटले फॉर दैट प्लान पब्लिक अकाउंट होता है पब्लिक अकाउंट में प्रोविडेंट फंड स्मॉल सेविंग कलेक्शंस वगैरह जाता है गवर्नमेंट के पास होता है एड वेलोरम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंस होता है डिमांड सप्लाई ये यूजुअली जब हम दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है जैसे इंडिया चाइना बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे किस डायरेक्शन में शिफ्ट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे ये टर्म यूज होता है फॉरन एक्सचेंज मार्केट में बजट एस्टिमेट्स हैं आपने बताया कितना हमें इनकम आ सकता है सो दिस इज एस्टिमेट बाद में ये रिवाइज भी होगा और फिर एक्चुअल भी डिफरेंट हो सकता है कैपिटल रिसीट है कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल आपको पता है ये मेन फंड है जिसमें ज्यादातर मैक्सिमम जो मेन फंड है पैसा है सरकार का वो कंसोलिडेटेड फंड में होता है कंटेन्जेंसी का नाम ही है इमरजेंसी यूज में होता है इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए होता है और ये मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है दैट इज बाय आर एंड फिजिकल पॉलिसी दैट इज बाय दैट इज बाय गवर्नमेंट तो ये कुछ टर्म्स है मैं ये पी भी शेयर कर दूंगा अभी अब सी हमें बेसिक्स पता है वॉट इज बजट नाउ वी कम टू दिस बजट स्पीच कल ये निर्मला सीतारमन मैम ने स्पीच दिया स्पीच में ये हेड्स थे हमेशा ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसमें कुछ थर्टी सिक्स पेजेस है आई शेयर दिस पी डी एफ एज वेल इसको हमेशा अपने पास रखिए दो तीन बार आप यू गो थ्रू करोगे एग्जाम के पहले ग्रो थ्रू करोगे रिवीजन बहुत इजी होगा अदरवाइज हम रैंडमली वीडियोस देखते रहते हैं ना ये रिवीजन नहीं होता है ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है एवोपरेट हो जाएगा दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क सो ऑलवेज फोकस मोर ऑन रीड टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान देना है टेक्स्ट जैसे कि हम करते हैं पढ़ पढ़ के तो ये थीम्स हैं हेल्थ एंड वेलबींग इस बार का इंपॉर्टेंट था बिकॉज कोविड नाइनटीन है फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने फोकस किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो दैट इज ओके चलेगा कैपिटल डेफिसिट को हम ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को एनकरेज नहीं करते हैं कैपिटल डेफिसिट है तो चलेगा बिकॉज कैपिटल डेफिसिट है मतलब पैसा आपने कुछ एसेट या कुछ इंपॉर्टेंट टेंजिबल चीजों में लगाया है तो कैपिटल डेफिसिट का बजट इज ओके रेवेन्यू डेफिसिट यूजुअली हम एनकरेज नहीं करते हैं और ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट ही होता है बजट हमेशा डेफिसिट बजट होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया की बात किया हमने री किया ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल अब ये जो थीम है ना ऐसे आप इसके आसपास लिखो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे इनोवेशन एंड आर एंड डी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और फिजिकल पोजिशन तो ये थीम्स हैं जिस पे बेस्ड अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना बजट पेश किया कुछ नए प्रपोजल्स हैं इनडायरेक्ट प्रपोजल्स हैं ये सब चीज़ें हैं तो यू जस्ट गो थ्रू दिस रेड दिस एंटायर स्पीच मैं शेयर करता हूँ इसको आप करो ये हाईलाइटेड टेक्स्ट पढ़िए दिस इज़ वेरी इजी ऑल राइट ना ये थर्ड पार्ट है दैट इज़ अबाउट दिस थीम अब इस बजट से आपने अंडरस्टैंडिंग किया अब इसमें हम थीम देखेंगे फिर न्यूज़पेपर का कवरेज देखेंगे तो एक कोट ये यूज किया दूसरा कोट यूज किया अ किंग रूलर इज द वन क्रिएट्स एंड अक्वायर वेल्थ प्रोटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू कॉमन गुड थ्रू कुरल वेरी गुड लाइन्स तो इस बार का जो पूरा बजट स्पीच देखने के बाद जो बजट है वो डायरेक्शन फॉर ग्रोथ भी है और स्ट्रांग इंटेंट फॉर रिफॉर्म्स भी है एक्सपेंडिचर बजट है रिफॉर्म्स के क्लियर कट सिग्नल्स दिए हुए हैं यहाँ पे डिसइनवेस्टमेंट की बात है जैसे बैंक्स में इंश्योरेंस में एफ में पी में एल का आई आ रहा है पॉपुलिज्म मेजर कम है फोकस ज़्यादा है ग्रोथ पे गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस ये मैसेज देने की कोशिश हुआ है हेल्थ को अपना ड्यू मिला है बैड बैंक जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं इन सब को डील करने के लिए एक बैड बैंक बनेगा जो सारे बैड एसेट्स को वापस गुड बनाने की कोशिश करेगा एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होगी एसेट मैनेजमेंट की बात होगा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट आएंगे जैसे पहले था ना आईडीबीआई डी ये फाइनेंस इंस्टीट्यूट थे डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क को फाइनेंस करते थे बट बाद में ये प्रॉपर फुल फ्लेज बैंक बन गए तो डी फिर से रिबॉर्न हो रहा है एसेट मोनेटाइजेशन की बात है मोनेटाइजेशन मतलब सरकार को पैसे चाहिए रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो जो सरकार के बहुत सारे एसेट्स हैं रेलवेज में इधर उधर लैंड है प्रॉपर्टीज़ हैं मशीन्स हैं एसेट्स हैं उसको ये मोनिटाइज करने की कोशिश करेगी वहां से पैसे जनरेट करेगी तो द होल बैलेंस इज बिटवीन ग्रोथ एंड प्रूडेंस सो ये कुछ थीम्स थी इस बजट की अब ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चली आए रिजाइलियंस है इन फेस ऑफ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस कोविड नाइन्टीन इज वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस तो सी फ्लैटन हुआ है ग्राफ कोविड में हमने अच्छा किया है जी की ग्रोथ की जो बात की जाए तो वो वी शेप्ड रिकवरी है ये डिप हुआ बट तुरंत रिकवर भी हो रहा है विच इज़ अ गुड साइन दिस इज़ वी शेप्ड इन रिकवरी इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल में रहेगा आईआईपी भी वापस नॉर्मलाइज हो रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान पे फोकस है आत्मनिर्भर इसके लिए हमने स्टूमुलस भी दिया था गवर्नमेंट एंड आर बी इतना स्ट्यूमुलस था अब ये जो थीम्स है ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए जी के लिए जैसे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं बोरोविंग लिमिट स्टेट गवर्नमेंट की बढ़ा दी है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल फेडरलिज्म इनके पास भी पैसों की कमी है स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात है सो दैट एफिशेंसी है और सरकार को भी थोड़ा इसका लोड कम हो खर्चे कम हो एनर्जी की बात करें तो लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर डिस्कॉम है डिस्कॉम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एलिमिनेशन होगा रेगुलेटरी एसेट्स का कमर्शियलाइज हो रहा है कोल्ड माइनिंग यहाँ से पैसे आएंगे रिडक्शन इन क्रॉस सब्सिडी मतलब यहाँ पे आपने ज्यादा टैक्स लगाया और यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं किसी दूसरी चीज को क्रॉस सब्सिडी सोशल सेक्टर की बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू की बात है डिजिटल हेल्थ जो है वो डिजिटाइज हो रही है डिजिटल हेल्थ ब्लू हेल्थ इज प्राइमरी फोकस ज्यादा पैसे अलोकेट किए हैं एम नरेगा में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन की बात है ई e विद्या और नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड मिशन मैथ्स लिटरेसी एंड मिशन अगर MSME की बात करें तो कोलेट्रल फ्री लोन होगा गिरवी नहीं रखना पड़ेगा बिजनेस को फंड ऑफ फंड्स बना है एम के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना का मेंशन हुआ डेट एमएसएमई का सबऑर्डिनेट डेट होगा ग्लोबल टेंडर एंड एमएसएमई की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है पहले जैसे अलग था कि एमएसएमई में क्या होता था कि ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एक एमएसएमई एक हद के बाद ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहता था टैक्स के लिए तो इस एमएसएमई की डेफिनेशन में भी चेंज किया गया है देन माइग्रेंट वर्कर सर्विस मैन्युफैक्चर हैव अ लुक एम की डेफिनेशन ये भी हमने आत्मनिर्भर भारत का जो सीरीज था सेल्फ रिलायंट इंडिया वहाँ हमने कवर किया था ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं वन नेशन वन कार्ड मतलब बिहार का माइग्रेंट यूपी में आया है बिहार का महाराष्ट्र में आया है वो एक ही कार्ड से दिस पीडीएस एंड ऑल ले सकता है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट होगा एग्रीकल्चर में कंसेशनल क्रेडिट की बात है फार्मर को पैसे देना क्रेडिट देना एग्री इंफ्रा फंड है इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल मिलेगा फार्मर को कैपिटल बिकॉज एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम होती है पैसे नहीं होते एग्रीकल्चर करने के लिए क्रेडिट का क्रंच होता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किए गए एंड मार्केटिंग रिफॉर्म्स है हेल्थ की बात करें तो अप्रोच है प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड वेल्बिंग well ये इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल्बिंग well इसमें वाटर भी इंक्लूड हो गया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम होगा पोषण अभियान को मर्ज कर दिया है मिशन पोषण 2.0 ये भी इंपॉर्टेंट है आउटले मतलब इसके लिए इतना खर्चा अलोकेट किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है ये नई nice स्कीम आ रही है ये दिस हेल्थ मिशन के साथ चलेगी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स होगी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के ब्लॉक भी होंगे स्ट्रेंथन कर रहे हैं एनसीडीसी को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल होगा न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन रोल आउट होगा कंट्री में तो सी हम हेल्थ में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ज्यादा इस बार खर्चा करने वाले हैं सी ये क्या लिखा है बजट एस्टिमेट फिर ये क्या है रिवाइज्ड एस्टिमेट अब इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट अगले साल आएगा बजट एस्टिमेट अभी आया है हेल्थ आउटले सी इतना है हेल्थ आउटले इंट्रोडक्शन है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल भी इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इस पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है पीएलआई गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है एनआईपी के प्रोजेक्ट सेक्टर है ग्रॉस वैल्यू एडेड भी जीवीए कब देखते हैं जब हमें सेक्टर स्पेसिफिक डेटा देखना है हमने देखा था ना जीवीए वी ए वर्सेज जी का डिफरेंस ये सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है एग्री फॉरेस्ट्री फिशिंग में मित्र स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल चैंपियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टेक्सटाइल मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोड कंस्ट्रक्शन सी बड़ा है नेशनल रेल प्लान आया है रेलवेज पे फुल एम्पेसाइज करना है इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है ब्रॉड गेज रूट का 2023 हमने एनसीआरटी टी पढ़ा है ब्रॉड गेज नैरो गेज और मीटर गेज ये रिन्यूएबल्स हैं इस पर भी हमें फोकस होगा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन देन पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज एक भारत माला प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले तैयार किया था इस पर एम्फेसिस है पीपीपी मॉडल होगा प्राइवेट सेक्टर सब्सिडी भी दिया जाएगा रिसाइकिलिंग की भी बात है अभी अलंग में रिसाइकलिंग होती है डिस्ट्रॉय डिसमेंटल किया जाता है इन शिप्स को रिसाइकिलिंग ऑफ शिप्स एक्ट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में इंडिया का नंबर बढ़ा है उज्ज्वला स्कीम फिर न्यूज़ में है अंडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अंडर सिटी गैस सिटी गैस गैस ट्रांसपोर्ट की भी बात है डीएफआई ये डी जो है इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए जैसे पहले आईसीआईसीआई आई डी था वैसे ये वापस इंट्रोड्यूस हो रहा है मोनिटाइज करेंगे पाइपलाइन को अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो जल जीवन मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर से आया है यूनिवर्सल पाइपलाइन में ऐसे नल से साफ सुथरा पानी आना है ये भी वेलबिंग well में इंक्लूडेड है स्वच्छ भारत मिशन है वॉलेंटरी व्हीकल कल हमने पढ़ा था ना क्लंकर्स वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है एसेंशियल होगा एयर पॉल्यूशन को डील करना है ऑगमेंट करना है पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को मेट्रो एंड नेट्रो न्यू टीयर वन एंड टीयर टू में एफ की बात करें तो एफ ओवरऑल रिकवर होगा सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड की बात है बहुत सारा अलग अलग रूल्स थे जैसे लेबर कोड को कोडिफाई करके कुछ लॉस बनाना है ना ऐसे ही से भी होती है स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी मार्केट में इसमें बहुत सारे अलग अलग नियम है इनको कोडिफाई करके एक सिंगल प्लान बनाने की बात है गिफ्ट आईएफएससी एफ फिनटेक है कारपोरेट बॉन्ड मार्केट की बात है सेबी डब्ल्यू डी आर ए सेबी का वर्क होगा यहाँ पे इंश्योरेंस में फिर से अमेंड किया है और सेवेंटी फोर परसेंट एफ डी आई लिमिट कर दिया है विद दिस रिगार्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनेगी मैनेजमेंट कंपनी बनेगी बैड लोन्स के लिए एग्रीकल्चर की बात करें तो स्वामित्व स्वामित्व मतलब ऑनरशिप जमीन आपकी है डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा स्वामित्व ऑल स्टेट्स एंड यूटीज में ऑपरेशन ग्रीन है फॉर पेरिशेबल प्रोडक्ट पोटेटो टोमेटो एक्सेट्रा ई नाम को हमें वापस एम्फेसाइज करना है मत्स्य संपदा फॉर फिशरी मल्टीपर्पज पार्क भी बनेगा फिश जो है ना इस पर बहुत फोकस है सरकार का मत्स्य संपदा में वन नेशन वन राशन कार्ड है लॉन्च होगा फॉर गिग बिल्डिंग एंड इकोनॉमी गिग इकोनॉमी क्या होता है जैसे जोमेटो स्विगी या फिर फ्री लांसर टाइप वर्क हैिग इकोनॉमी दिस इज ऑन राइज तो यहां सेफ्टी नेट की जरूरत है ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन को रिवाइम करने की बात है स्कॉलरशिप है एकलव्य स्कूल है स्किल्स की बात है अप्रेंटिस और स्किल डेवलपमेंट देन ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन रेगुलेशन फंडिंग ये काम होगा आर एंड डी की भी बात है डीप ओशन मिशन डीप ओशन मिशन मतलब एक्सप्लोरेशन इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सी एजुकेशन में जी डी पी फिजिकल पोजिशन देखिए तो हमारी ठीक नहीं रही है एडिशनल बोरोविंग करना पड़ेगा हमें रेवेन्यू डेफिसिट इतना आया है तो फिजिकल डेफिसिट में ठीक नहीं था नो सी कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब कुछ टेंजिबल एसेट बना रहे हैं विच इज गुड थिंग जीडीपी डेट टू जीडीपी बढ़ रहा है एक्सटर्नल डेट भी है टैक्स में प्रपोजल ये दिया कि जो 75 साल से बड़े हैं सीनियर सिटीजन है उनको टैक्स फाइल करने में छूट होगा ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है दैट इज गुड टू गो देन टैक्स विवाद से विश्वास है कि आप खुद ही डिस्कलोज करो और टैक्स पे कर दो तो आप पे अननेसेसरी दिस पेनफुल नहीं होगा इनकम टैक्स टैक्स ट्राइब्यूनल की भी बात है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी भी है ये पी डी एफ मैंने कल शेयर किया था आई बिलीव आपने इसको गो थ्रू किया है दैट इज वाई आई एम मूविंग क्विकली नाउ सी लिमिट भी यहाँ पे टैक्स ऑडिट का कर दिया है अब सी टैक्स में क्या होता है कि हम ह्यूम जो है ना उसको कम से कम रखना है तो हम फेसलेस ऑडिट करने की बात करते हैं टैक्स चार्टर की बात करते हैं कॉम्प्यूटराइज हो ऑटोमेटिक हो और जो टैक्स पेमेंट है ये एक हैसल फ्री एक्सरसाइज हो इस सब चीज़ पे इन्होंने यहाँ पे बात किया जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स का हॉलिडे भी दिया गया है ओके देन इनडायरेक्ट टैक्स है तो सी जी एस टी इनडायरेक्ट से ये डिप हुआ था बट अब एक लाख करोड़ के ऊपर चल रहा है वो पास सम टाइम विच इज अ गुड थिंग जीएसटी का सक्सेस होना बहुत जरूरी है इन्फ्रा सेस की बात है अब से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट हैं रुपी कम्स इन पैसे कहाँ से आ रहे हैं बोरोविंग से सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं फिर आ रहे हैं जीएसटी से फिर आ रहे हैं तीसरे नंबर पे है इनकम टैक्स फिर कॉरपोरेशन टैक्स फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी फिर है नॉन टैक्स फिर डेट कैपिटल कस्टम्स इस तरीके से सो दिस इज प्लस यहाँ से आप पैसे गेन कर रहे हो पैसे खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं इस जगह पे पैसे खर्चे हो रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं विच इज नॉट गुड देन शेयर्स टैक्स ड्यूटीज देने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन में भी फोर्टी वन परसेंट अभी मेंटेन किया है आगे देखते हैं पेंशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सब्सिडी डिफेंस ये हुआ खर्चा ये हुआ इनकम ये बजट एट ए एग्लांस है रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट मतलब पैसे मिले खर्चा खर्चा एक्सपेंडिचर देन ये अलोकेशन है अलग अलग स्कीम्स में अब एम जी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इसके बारे में सब पता होना चाहिए पी एम किसान इज इम्पोर्टेंट नेशनल एजुकेशन मिशन फ्लोट हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन है जल जीवन मिशन अभी प्रलिम्स में आया था दिस इज इम्पोर्टेंट मेट्रो एंड अमृतन स्मार्ट सिटीज और ये अलोकेशन है अलग अलग हेड में अर्बन फैमिली वेलफेयर नाउ सी वाई वी डिड दिस बिकॉज आई हैव है दिस पी डी एफ विद यू ये पी डी एफ आपके पास रहेगी और इसमें बड़ा अच्छा डेटा है इसी डेटा को बार बार बार-बार देखना है ये सब याद हो जाएगा सो so यू में, में, में इससे ज्यादा डिवेलप नहीं करना है जो बचा हुआ टाइम होगा उसको आप डिवोट करो कोर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा आपको फाइनेंस दिस इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट इसमें एक हद के बाद आर बहुत कम है सो so, जो स्पेयर टाइम है फोकस दैट टाइम ऑन दिस अब right? so, अब हम देखते हैं commentary. Commentary मतलब पेपर में को कैसे cover किया है. तो तो उसके लिए दोनों सी पे मैन्युफैक्चरिंग की बात किया है? अब ये जो बजट स्पीच का ये मेन पीडीएफ देखा ना इसी पीडीएफ का अलग अलग वर्जन होंगे यहां पे. अब देखिए घर पे आपने बजट बनाया घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं हर मेंबर तो खुश नहीं होगा जिसका बजट कट हुआ ही विल फील एंग्री रिसेंटमेंट होगा तो सेम थिंग होती है बजट में बजट को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अलग अलग कुछ क्रिटिसाइज करेंगे किसी को फेवर हुआ तो वो खुश हो जाएंगे तो ये वर्जनस होंगे वॉट वी नीड टू डू हमें बेसिक्स पे ध्यान रखना है थीम्स पर ध्यान रखना है और गवर्नमेंट ने जो थीम्स दिया है ये हमारा लाइन होगा आंसर लिखने में ये मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग में अब यही बजट स्पीच कर दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम फोकस करेंगे पीएलआई स्कीम यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन 75 फाइव ईयर टैक्स एग्जाम्शन मिला है फाइलिंग करने से फाइलिंग इनकम टैक्स अगर टैक्स अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड बाय द पेमेंट बैंक टी इंफ्रा की बात करें तो सी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पुश किया है गवर्नमेंट में रियल जीडीपी ग्रोथ अराउंड 10 टू 10.5 परसेंट का सोचा है अब सी गवर्नमेंट कुछ पैसे खर्च करती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है गवर्नमेंट दस रुपए खर्च कर रही है तो उससे सौ रुपए का दिस इकोनोमी को बूस्ट मिलता है दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट इंफ्रा पुश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो दिस इज द थिंग प्राइम मिनिस्टर एंड दिस ओपोजिशन लीडर सी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है सो दिस इज बजट अब जैसे स्टेट्स को अलाउ किया एनहेंस फोर परसेंट ऑफ दिस बोरोविंग फोर परसेंट ऑफ दिस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रिकॉर्ड अलोकेशन किया रेलवे रेलवे पे एम्पेसाइज किया है इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूटर 2.5 लाख से ज्यादा है तो वहां पे टैक्स होगा टैक्स स्लैब इस बार कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है टैक्स स्लैब में टैक्स स्लैब्स रिमेन्स अनचेंज गवर्नमेंट एम कर रही है फिजकल कंसोलिडेशन इंक्रीजिंग बोयंसी ऑफ टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो तभी तो हमने जीएसटी में किया लूप को प्लग करने की कोशिश किया ताकि टैक्स कलेक्शन बेटर हो इम्प्रूवड कॉम्पलायंसिट आई फ्रॉम मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट तो ये सरकार क्यों कर रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पैसे जनरेट करने के लिए मोनेटाइज करेगा टैक्स ज्यादा आएगा टैक्स बोयंसी होगी कॉम्प्लायंस ज्यादा होगा कलेक्शन लो हुआ था कोविड नाइन्टीन भी उसका वन ऑफ द रीजन है अब टैक्स लैब रिमेन है इनकम एंड टैक्स के सीनारियोज हैं अब ये इम्पोर्टेंट है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन इसका एक रिपोर्ट पहले आया था अभी दूसरा आया फिफ्टी फाइनेंस कमीशन एन के सिंह साहब फाइनेंस कमीशन हमें पता है सेंटर से स्टेट में पैसे ट्रांसफर करने का जो अग्रीमेंट होता है वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है क्या क्राइटेरिया होगा क्या नियम होगा कितना डिवोल्यूशन ऑफ़ टैक्स होगा तो 42 परसेंट पहले था जम्मू एंड कश्मीर अब सेंट्रल यूटी बन गया तो ये 41 परसेंट हो गया इस बात पे सरकार अग्री हो गई है कि स्टेट को अगर सौ रुपये सरकार को मिले तो फोर्टी वन वो डिवॉल्व करेगी स्टेट को तो ये क्या हुआ वर्टिकल हुआ फिर दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल मतलब जो 28 स्टेट है तो इनको कैसे डिवोल्यूशन होगा किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा ट्वेंटी एट स्टेट्स में अब इसके क्राइटेरिया होते हैं कि पॉपुलेशन क्या है एरिया कितना है डिफरेंस कितना आ रहा है उसका स्टैंडर्ड इनकम से इन सब के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया क्या है एट्सेट्रा तो जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है सदर्न स्टेट्स का उसमें ट्वेल्व का इस बार वेटेज दिया गया है वाई बिकॉज नाइनटीन जैसे हमने फ्रीज़ किया था साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया नॉर्थ के स्टेट्स ने किया नहीं तो दिस इज फॉर दैट ये फाइनेंस कमीशन हम एक बार सेपरेटली भी देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द पॉइंट इज दिस इज फाइनेंस कमीशन ये भी इसकी जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट मोस्टली अग्री कर लिया अब कॉन्फिडेंस स्टिल करना है इन्वेस्टर्स के लिए सेंटर अमलगमेट करेगा मार्केट लॉज इन सिंगल कोर्ट बिकॉज बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं इसका भी मैंने नोट्स में ये सारे लिख दिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जस्ट गो थ्रू इट इसके इसको भी आप गोथ्रू करना है इस नोट को मैं इसको शेयर कर दूंगा ये जो है ना अमालगमेशन हो रहा है मतलब जैसे एक सिक्योरिटी मार्केट कोड से बी एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू है फिर डिपॉजिटरी एक्ट है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है इसको कंसोलिडेट करने की बात है सेंसेक्स ऑब्वियसली स्काई रॉकेट कर दिया बुल है ना बुल मतलब दौड़ लगा रहा है बियर मतलब नीचे आ रहा है बजट टू बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी कंज्यूमर्स विल नॉट बी बर्डन बाय फॉर्म सेस ना ये अच्छी चीज़ है हम सोच रहे थे इस बार कोविड सेस जैसा कुछ नई चीज़ आएगी सेस क्या है टैक्स ऑन टैक्स बट ऐसा हुआ नहीं कंज्यूमर्स विल नॉट बी बर्डन कुछ नया एडिशनल टैक्स नहीं आया एडिशनल कैपिटल दिया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन में रिनीूबल्स में रिनीबल्स में गवर्नमेंट का फोकस अब जो चार्ट हमने पहले देखा बजट स्पीच में वो ही इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में ऐसे बना दिया है कि बजट का ब्रेकडाउन कहाँ पर है इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह इस टाइप से गवर्नमेंट ने फिर इतना बोला डिसकॉम को रिवाइव करने के लिए डिसकॉम एक उदय योजना भी थी डिस्कॉम के लिए डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर जनरेशन फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन टेलीकॉम रेवेन्यू एस्टिमेट कट स्टीपली है सेवन मेजर पोर्ट्स हैं ये क्या होंगे प्राइवेटाइज होंगे तो ये जो गवर्नमेंट है ना ये प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जैसे रिसाइकलिंग ऑफ शिप अलंग गुजरात में है इधर भी बूस्ट करना है हमें कैपेसिटीज की बूट करनी बूस्ट करनी है सो दिस इज अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन पोर्ट्स इंडिया में अभी बारह मेजर पोर्ट है मेजर पोर्ट मतलब सेंटर के कंट्रोल में होते हैं वो और जो माइनर है वो स्टेट के अंदर होते हैं ये सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल कार्गो ट्रैफिक करता है तो इसमें से कुछ पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन की बात है स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत ज़्यादा अन में है स्क्रैपेज जो पुराने व्हीकल हैं उसको स्क्रैप करें क्लंकर्स रिवैम्ब रिफॉर्म्स की बात है इकोनॉमी में दिस स्कीम्स फिजकल डेफिजिट साढ़े चार परसेंट हम सोच रहे हैं फाइनेंशियल टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स तक होगा बट अभी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट फिजिकल डेफिजिट था और एफ के हिसाब से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए दो तीन चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट ये नाइन पॉइंट फाइव था बट स्टिल गवर्नमेंट एज डन वेल बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्जन थी कोविड नाइन्टीन के कारण हाईवे में इतना आउटले है इतना पैसा मिला है एम सेक्टर है आउटसाइड सपोर्ट

तभी मार्च अप्रैल जैन फेब, मार्च बहुत बिजी क्वार्टर होता है तो मार्च में दिस रश होता है बट अब ये नॉन लैपसेबल होगा मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए भी रिकमेंड किया है डेडिकेटेड नॉन लैपसेबल मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी दिस इज न्यू फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की दो नई बात क्या हुआ एक तो फोर्टी वन परसेंट और दूसरा ये नॉन लैप्सिबल फंड देन कल्चर मिनिस्ट्री को कट हुआ है स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलीडे है मतलब टैक्स नहीं देना है टैक्स में छूट मिलेगी मार्च 2022 तक एसी फोन कॉस्टली होंगे बजट ने मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं फॉर्म सेक्टर को अलोकेशन इंक्रीज है बट कंसर्न्स रिमेन है फॉर्म सेक्टर फॉर्म बिल्स फिशिंग हार्बर्स बनाने की बात है और मॉडर्नाइज ये जो गवर्नमेंट है ना ये मत्स्य फिश में बहुत फोकस है मत्स्य संपदा योजना प्रिपेयर इट वेरी वेरी वेल फूड सब्सिडी बजट इतना ज्यादा हो गया है कस्टम्स ड्यूटी लगाएंगे कॉटन में कॉटन कॉटन ब्लैक सॉइल प्रपोज टेन परसेंट कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉटन इंपोर्ट मतलब बाहर से आयात इसपे दस परसेंट ड्यूटी लग गई मतलब आयात महंगा होगा मतलब हम क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं कॉटन प्रोडक्शन को एम्फेसाइज कर रहे हैं इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन कहाँ होगा जहाँ पे ब्लैक सॉयल होगा ये हेल्थ केयर है न्यूमोकोकल वैक्सीन है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा लिमिटेड टू ओनली फाइव स्टेट्स नाउ सी हेल्थ एंड वेल्थिंग 2020 का जो लेसन था वो ये था इन्वेस्ट इन योर वेल्थ ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ तो हेल्थ पे सरकार इन्वेस्टमेंट की बात किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी है अक्रॉस डिसिप्लिन ये वर्क करेगा नेशनल दिस रिसर्च फाउंडेशन बजट है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का इसको श्रिंक किया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन एरिया में होगा और वाटर सप्लाई जो है ना ये वेल्बिंग well में हेल्थ में जल जीवन मिशन रूरल इंडिया का लाइफलाइन मिसिंग है बजट स्पीच में अब ये क्या है ओपिनियंस है बजट स्पीच में जल जीवन मिशन ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसका मैंने पी भी शेयर किया था जल जीवन मिशन अर्बन जल जीवन मिशन टैब्ड वाटर स्पेंडिंग स्लैक हुआ है पोर्टल टू कलेक्ट ऑन गिग वर्कर गिग इकॉनमी इज नेक्स्ट बिग थिंग गिग इकोनॉमी न्यू स्कीम है फॉर पब्लिक बसेस स्कीम्स स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है ऑन शेड्यूल कास्ट फंडिंग अप बाय फिफ्टी मिनिस्टर फिफ्टी परसेंट मिनिस्टर ने कहा सेंट्रल वैरसिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ रही है लद्दाख में आ रही है सेफ्टी हेजार्ट अब ये तो एक क्विक टेक हुआ बजट का अब बात करते हैं गेटिंग बैक ऑन ट्रैक ये जो है दिस इज अबाउट एडिटोरियल ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए द रीजन इज इसको आप एक बार फिर से देखोगे ना चीजें याद रहेंगी इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन कंसोलिडेट टू रिविजन इज इंपॉर्टेंट गो थ्रू दिस पी डी एफ वंस अगेन ये सारी चीजें याद हो जाएगी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं और दूसरा ग्लॉसरी एंड दिस बजट का टेक्स्ट अब यहाँ है गेटिंग बैक ऑन ट्रैक तो एडिटोरियल टेक है पुट लाइव इन लाइवलीहुड बैक इन ट्रैक प्रायोरिटी था हेल्थ केयर फिजिकल पुश की बात है पैंडमिक हिट इकोनॉमी है पॉपुलेशन है सरकार को यहाँ पे इन जनरल देखे ना बजट अच्छा दिया है जो रिसोर्सेज इन हालात थे उसके हिसाब से देव डन देव डिलीवर्ड हेल्थ केयर को और ज्यादा जरूरत थी ये करना चाहिए था वैक्सीनेशन यूनिवर्सल एक्सेस और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सैनिटेशन और एडिकेट न्यूट्रिशन ये पॉइंटर्स हैं एडिकेट न्यूट्रिशन सैनिटेशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन यूनिवर्सल एक्सेस आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी केयर कैपेसिटी मतलब छोटी मोटी बीमारियां हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में थोड़ी बड़ी बीमारियां सेकेंडरी में फिर टर्जरी केयर भी होना चाहिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रेवेन्यू के लिए सरकार ने डिसइनवेस्टमेंट कर रही है एल का आई आ रही है एफ में इंश्योरेंस सेवेंटी हो गया है एसेट मोनिटाइजेशन की बात है एनपीए बढ़ रहा है तो बैड बैंक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है बोरो कर रहे हैं हम पैसा करीब 12 लाख करोड़ रुपए का बोरो हो रहा है रेवेन्यू बेस का इरोजन हुआ है और इसका एक रीज़न ये भी है कि कॉरपोरेट टैक्स में हमने रिडक्शन कर दिया था आज की डेट में कॉरपोरेट टैक्स का परसेंटेज कितना है आप बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत मीगर है इसको और करने की ज़रूरत थी आई एव क्लब दिस एडिटोरियल एंड दीज टेक्स जो है कि बजट में क्या शॉर्टकमिंग्स थे ये कंजर्वेटिव है या नहीं इसको क्लब कर दिया है मैंने न्यूट्रिशन स्कीम्स जो हैं ये सफ़र हुई हैं पुअर बजटरी सपोर्ट में तो इनमें ज्यादा अलोकेशन होना चाहिए नौ बजट में हमने देखा ना जिस सेक्टर में कट होता है वो बोलते हैं कि इसमें और होना चाहिए था तो बजट में हमेशा क्रिटिसिज्म होगा कभी ऐसा बजट नहीं आता है जिससे सब हैप्पी हो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि क्लीन करें बजट मैथ डिक्लेयर किया फिस्कल डेफिजिट साढ़े नौ परसेंट ऑफ जी डी पी सिक्स पॉइंट एट परसेंट जी डी पी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में रेस्पेक्टिवली ट्वेंटी टू में सिक्स पॉइंट एट रियलिस्टिक एस्टिमेट है रेवेन्यू रिसीट के ऑफ बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर्स सेल्फ रिलायंस की बात किया है प्री नाइनटीन नाइन्टी वन डेज तो द पॉइंट इज़ अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंजरवेटिव हो रही है सेल्फ रिलायंट हो रहा है तो जो नाइनटीन नाइन्टी वन में हमने एल पी जी किया था इससे जो बेनिफिट हुआ वो भी फिर चले जाएंगे ब्रॉड बेस्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस एज़ वेल तो ये भी एक कुछ ओपिनियन है कि ये बजट रेट्रोगेट भी है ये स्टेपिंग अप हुआ है रेलवे प्लान विस्टा डोम विस्टा डोम क्या होता है जैसे ऊपर ऐसे ओपन होता है सब दिखता रहेगा आसपास ट्रेन जहाँ से ट्रेवल कर रही है दिस इज विस्टा डोम मिक्स सिग्नल फार्मर्स में है हार्बर्स मॉडर्नाइज हो रहा है कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पे नाउ सी वॉट इज योर होमवर्क इज की एक बार ये ग्लॉसरी फिर से देखिएगा बजट स्पीच भी इफ यू गेट टाइम जस्ट गो थ्रू क्विकली स्किम करिए इस पूरे बजट को तुरंत देखिए देन ये जो डॉक्यूमेंट है कल मैंने इसको शेयर किया टेलीग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एग्जाम तक अपने पास रखना है और बार बार पढ़ना है ऑफिशियल डेटा है इसमें सारा गवर्नमेंट ने शेयर किया है ये पी ये बहुत यूजफुल होगा इसको यूज़ करना है आंसर्स में एवरीवेयर और इन सब को यूज़ करके अपने शब्दों में जो भी आपने 2021-22 बजट में देखा उसको आप दो पन्नों में पूरा समराइज़ कर दो ये जो समरी नोट आप बनाएंगे ना ये बहुत ज्यादा यूजफुल होना है दैट इज वाई आज का केवल एक ही सवाल है और ये सबको करना है प्रिपेयर अ नोट ऑन यूनियन बजट 2021-22 खुद से लिखेंगे याद रहेगा ग्रैंड मदर ऑफ द सॉइल अब हम आगे देखते हैं देन यहां पे फिर टेक्स हैं ये है, जैसे डिस्पाइट सम हिट्स द बजट हैज क्रूशियल मिसेज फिर डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है देन हंगर पैंडमिक को एड्रेस नहीं किया लॉन्ग रोड है दैट्स ऑल राइट डिसीव किया है कॉर्पोरेट फ्रेंडली है इको इन बजट है रिकॉर्ड अलोकेशन हुआ है सेल कंट्री देन फर्स्ट एवर अच्छा इस बार पेपरलेस बजट भी आया था हार्ड कॉपी नहीं थी पेपरलेस बजट तो दिस इज द थिंग फार्मा प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स ब्लॉक किए फिजिकल हियरिंग चालू हो जाएगी मार्च से सी जे आई ने का देन दिस इज अबाउट मोर ट्रैक्टर्स अराइव एट सिंगू बॉर्डर सी आई एस एफ मेट्रो स्टेशन क्लोज है कम्यूटर फेस ट्रैफिक रिपब्लिक डे सैरो बता रहा है इतने लोगों को एंटीबॉडीज मिल गई है राष्ट्रपति भवन फिर से ओपन होगा सैटरडे से विजिटर्स आ सकते हैं यहाँ देन दिस इज इनोवेशन ये नया मैकबुक है एप्पल ने खुद का अपना प्रोसेसर निकाला है एम वन प्रोसेसर देन बैटल रॉयल विद मसाला ग्रैंड मदर ऑफ द सॉइल हंड्रेड एंड फाइव ईयर ओल्ड स्टिल वेक्स अपिफोर द सन हेड टू द फील्ड मीट आर पप्पा मल ऑर्गेनिक फार्मर फ्रॉम कोयम्बटूर और आपको पद्मश्री भी मिला है फॉर एग्रीकल्चर दिस ईयर एथोज डेडिकेशन फॉर दिस ऑर्गेनिक दिस एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट और आपको पद्मश्री भी मिला है वेरी गुड न्यूज टैंपलेट केस स्टडी आप इसको यूज कर सकते हो आंसर्स में भी इन सर्च ऑफ फॉर एवर स्काइज और ये है इंडिया मॉनिटर सी ये एक और नया प्रॉब्लम हो रहा है म्यांमार में कू हो गया है मिलिट्री सीज़ पावर इन म्यांमार अब द पॉइंट इज इंडिया डेमोक्रेटिक है ऑंग सॉन्ग सूकी डेमोक्रेटिक है इंडिया ट्रेडिशनली ऑंग सॉन्ग सूकी को सपोर्ट करेगा बट इंडिया की म्यांमार की मिलिट्री के साथ भी बड़े क्लोज टाइज हैं बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में जब हमने इंसर्जेंसी मिलिटेंट्स इन सबको क्लीन अप करना था म्यांमार ने काफ़ी सपोर्ट किया है वहाँ पर तो म्यांमार का जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी हमारे टाइज हैं अभी कुछ टाइम पहले ही जनरल नरवाने साहब ने भी विजिट किया था यहाँ पे तो न्यू दिल्ली टाइट रोप करना पड़ेगा ऑन म्यांमार इज बैक बिकॉज ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं इसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार डील करना एक तरफ डेमोक्रेसी है और एक तरफ वहाँ की दिस मिलिट्री जनता है म्यांमार मिलिट्री रिलेशनशिप लेट लेटेस्ट सी क्विक इसमें जजमेंट पास नहीं करना है जो एम ई ए बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हम उसी चीज़ को रिपीट करेंगे यहाँ चाइना फैक्टर भी है वेस्ट ने कंडम किया है इंडिया ने बहुत केयरफुल रहा अभी ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ दिए नहीं है देन नो इंडियन रोल इन डेवलपिंग ई सी टी इन कोलम्बो और ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है ये इंडियन एक्सप्रेस था इंडियन एक्सप्रेस में भी हम देखें तो न्यूज़ है दैट इज़ बजट सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुआ है मेजर बूस्ट टू एक्सपेंडिचर है इंटेंट है रिफॉर्म का स्ट्रैटेजिक सेल पॉलिसी है डिसन्वेस्टमेंट दो पी और इंश्योर ऑन ब्लॉक एल का भी आई आएगा फिजकल डेफिजिट वाइडन हो रहा है साढ़े नौ प्रतिशत जी का इतना था रिवाइज एस्टिमेट 6.8 परसेंट बजट एस्टिमेट इक्कीस बाईस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है नंबर बदलेगा 6.8 इंश्योरेंस सेक्टर में 74 है हेल्थ को वैक्सीन शॉट दिया है वाटर को अब वेलबींग की कैटेगरी में रखा है मार्केट चेयर किया है सेंसेक्स ने टू ग्रोथ साइकिल बैड बैंक एंड डी आएगा बैड बैंक मतलब एनपीए वगैरह खराब लोन से डील करने के लिए एंड डी डीएफआई होगा जो फाइनेंस करेगा दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये ट्विटर ने ब्लॉक किया है दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पुअर इंटरनेट ये भी एक थीम है डिजिटल डिवाइड में मोस्ट पेरेंट कांट अफोर्ड स्मार्टफोन्स

दो पी एस बी वन इंश्योरर को सेल करेगा सैम्बलेंस ऑफ रेगुलर लाइफ है अ बोल्ड फियर सी अ बोल्ड लीप नो प्लेइंग टू गैलरी फ्रॉड बैकड्रॉप ऑफ कोविड डिस्ट्रेस इन फार्मर गवर्नमेंट मीन बिजनेस ओवरऑल जो बजट है जो सर्कमस्टेंसेज है उसके हिसाब से इट्स तो अ गुड बजट रिकॉर्डिंग पोस्टपोन हो गई रिकॉर्डिंग का मीनिंग बताइए कुछ दिन पहले हमने देखा था रिकॉर्डिंग पोस्टपोन हो गई मतलब आज के लिए नहीं बाद के लिए हमने टाल टाल दिया है इसे बजट पुट्स वेलकम एम्फेसिस ऑन हेल्थ इंफ्रा एंड प्राइवेटाइजेशन बट इनकम सपोर्ट भी कंटिन्यू होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी की बात है बैक स्लाइडिंग दिस इज म्यांमार म्यांमार में चीज़ें अभी बहुत वॉलोटाइल है फ्लूड है आर्मी मिसिंग पुश फॉर जॉब्स एंड वेलफेयर रिलाइंग एंड ग्रोथ अभी अलग अलग थीम्स हैं टैक्सेशन है बैंकिंग हायर नेट डायरेक्ट टैक्स मॉपअप जीएसटी मॉपअप बड़ा है देन दिस इज पीपल दे आर एस्पायरेशन रिकवरी है दिस इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी सिल्वर लाइनिंग है कोविड क्लाउड में सोशल सेक्टर है सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग डिफेंस में थोड़ा बजट बढ़ गया है डिफेंस का रेलवे फाइनेंस फ्लैगशिप स्कीम्स बिग अलोकेशन बूस्ट इन फाइनेंस इन हेल्थ सेक्टर देन फंडिंग का इशू था व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है स्पेंडिंग प्राइवेटाइजेशन इन बैड बैंक 5% फ्यूल जम एक्सप्लेन में बात है हाउ बजट मैप स्पेंडिंग रूट आउट ऑफ पैंडमिक और इंटरव्यू में बताया है इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन एसेट मोनेटाइजेशन ये नया टर्म है एसेट मोनेटाइजेशन याद रखना है आर गोइंग टू टेक अप टॉप प्रायोरिटी म्यांमार में है ओंग सोंग सी सुकी को गिरफ्तार कर लिया गया है दिस इज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर गूगल और ऑस्ट्रेलिया का लड़ाई हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया इज सेइंग गूगल भी सर्च इंजन है व्हाई नॉट वी कैन हैव दिस बिंग बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है है तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अब आज का का हिंदी आर्टिकल है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम हमने देखा था एटीन रिवोल्ट भी हो गया एटीन का तो अठारह की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है तो अभी तीन आएंगे 61, 92 और 1909। ये तीन अधिनियम आएंगे वन बाय सिक्सटी वन नाइन्टी टू एंड इसमें और रेगुलराइज करने की कोशिश करेगा ब्रिटिश का रूल इन इंडिया संवैधानिक राजनीतिक इतिहास में ये महत्वपूर्ण है तो पहला प्रायोरिटी क्या है इसमें पहला पॉइंट क्या है एटीन में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई बिकॉज 1857 का रिवोल्ट ही ऐसा हुआ कि इंडियन को पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा था तो डिस्कनेक्ट हो रहा था अब इंडियंस को इंक्लूड करेंगे लॉ फॉर्मेशन में लॉ मेकिंग में लॉर्ड कैनिंग बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव इनको विधान परिषद में मनोनीत करेंगे तो दिस इज पॉइंट नंबर वन ये तीन याद रखने और इंडियंस का पार्टिसिपेशन चालू हो गया है लेजिस्लेशन में सेकेंड हमने देखा था सेंट्रलाइजेशन हो रहा था रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन सेवेंटी थ्री थे एट्टीन थर्टी थ्री आते आते जो बॉम्बे और मद्रास है उनको कंप्लीट सबॉर्डिनेट कर दिया था बंगाल के अब जो एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट हुआ तो समझ में आ गया डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है तो अब डिसेंट्रलाइजेशन होगा मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विधायी शक्तियों में पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और इसका पीक आएगा नाइनटीन थर्टी सेवन तक इनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी भी मिल जाएगी तो एक था सेंट्रलाइजेशन अब डिसेंट्रलाइजेशन बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन होगा लॉर्ड कैनिंग 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता देंगे पोर्टफोलियो मतलब ये डिफेंस मिनिस्टर है ये फॉरेन मिनिस्टर है ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है ये एनवायरनमेंट है ये पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई दिस 1861 एक्ट से आपातकाल में ऑर्डिनेंस पावर भी आ गया अध्यादेश जारी करने के अधिकृत हो जाएगा दिस वाइस रॉय और ऐसे अध्यादेश की अवधि छह मात्र होगी छह माह होगी तो इसके पांच पॉइंट्स क्या है पहला इंडियंस को इंक्लूड किया लेजिस्लेशन में इन तीन का नाम याद रखना है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ विधान परिषद बने देन 1861 पोर्टफोलियो और यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग अध्यादेश जारी करने की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की गई सो दीज आर पॉइंट्स ऑफ एटीन अब अगला देखेंगे 1892. कल के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये बड़ा आसान था छः नंबर है तो छः इंटू थ्री पॉइंट नाइन फाइव मतलब ये टोटल इतना उन छः नंबर का दिस वैल्यू हो गया बिकॉज एवरेज थ्री पॉइंट नाइन फाइव दिया हुआ है पहले दो का एवरेज दिया था तो उनका टोटल सिक्स पॉइंट एट हुआ दूसरे दो का एवरेज दिया था थ्री पॉइंट एट फाइव तो उनका टोटल सेवन पॉइंट सेवन हो गया अब छः में से चार नंबर हमें पता है इनका समेशन तो बाकी के दो का भी पता लगा लेंगे ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन माइनस सिक्स पॉइंट एट माइनस सेवन पॉइंट सेवन तो दैट इज नाइन पॉइंट टू अब ये दो नंबर का है टोटल तो एवरेज कितना हुआ नाइन पॉइंट टू डिडेड बाई टू दैट इज फोर पॉइंट सिक्स तो ये पहला सवाल हुआ दूसरा भी आसान था एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट क्लास का फिफ्टीन पॉइंट एट है ना और एवरेज एज बॉयज का सिक्सटीन पॉइंट फोर है और गर्ल्स का फिफ्टीन पॉइंट फोर है हमें रेशियो बताना है क्या है बॉयज टू गर्ल्स तो, तो रेशियो लेट के इज टू केन है अब सिक्सटीन पॉइंट फोर एवरेज एज है बॉयज का और फिफ्टीन पॉइंट फोर है गर्ल का तो k इंटू सिक्सटीन पॉइंट फोर वन इंटू फिफ्टीन पॉइंट फोर और टोटल एवरेज कितना था फिफ्टीन पॉइंट एट तो k प्लस वन इंटू फिफ्टीन पॉइंट एट रेशो करेंगे टू बाय थ्री आ जाएगा ये बड़ा आसान सा सवाल है ए टू बी जा रहा है डेढ़ सौ किलोमीटर पचास किलोमीटर पर आर से रिटर्न कर रहा है तीस किलोमीटर पर आर से तो आपको बताना है एवरेज स्पीड ये जो सवाल आते हैं ना इसमें आप एक तरीका तो नॉर्मल है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो इससे सवाल आ जाएगा अगर ट्रिक लगाना है फॉर्मूला लगाना है तो इस टाइप के सवाल में ट्रिक होती है टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स इज थर्टी वाई इज फिफ्टी टू इंटू थर्टी इंटू फिफ्टी थर्टी प्लस फिफ्टी तो दैट इज थ्री हंड्रेड अपॉन एट डायरेक्ट आपका आंसर आ गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर सो ये सॉल्यूशन से कल के आज के सवाल हैं मैन ऑन टूअर ट्रैवल्स फर्स्ट वन सिक्सटी किलोमीटर एट सिक्सटी फोर किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट वन सिक्सटी हो रहा है एट्टी किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड बताइए पहले 320 किलोमीटर ऑफ द टूर का अगेन स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला है ब्रेक करिए सॉल्व हो जाएगा सेकेंड रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन है सेवन इज टू एट सेकेंड ट्रेन रन कर रही है 400 किलोमीटर चार घंटे में तो स्पीड क्या है पहले ट्रेन की अगेन फॉर्मूला रेशियो दिया हुआ है और फोर हंड्रेड फाइंड इट आउट मैन ऑफिस बीस मिनट लेट पहुंचता है अगर वो वॉक करे अपने होम से एट थ्री किलोमीटर पर आ तो वो तीस मिनट अर्ली हो जाएगा अगर वो चार किलोमीटर पर आर से वॉक करे तो तीन किलोमीटर से कर रहा है तो बीस मिनट लेट है चार किलोमीटर से कर रहा है तो तीस मिनट जल्दी है तो आपको बताना है उसका ऑफिस कितना दूर है कंपेयर करिए दोनों का आंसर से इसका सोल्यूशन आ जाएगा सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे सोल्व इट कल हम इसका सोल्यूशन देखेंगे दीज आर सी सी सेट सेट सो वी अबाउट दिस इज का अधिनियम दिस इज बजट म्यांमार बिंग एंड ग्रैंड मदर ऑफ द सॉइल so, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज ही ये सारा बजट का डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है एंड प्रिपेर नोट सो दिस इज सेकेंड ऑफ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ